हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में आज हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाला है ये। मैंने आपको इलास्टिक स्ट्रिंग, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग करवाया हुआ है, ठीक है। आज मैं उसके ऊपर आपको एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ। डायनेमिक्स, ब्रश चेंज कर लेते हैं। नाउ मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा स्थिर है और दूसरे स्थिर सिरे पर एक ऐसा कण बंधा हुआ है जिसका भार डोरी को उसकी स्वाभाविक लंबाई ए की दुगनी लंबाई तक बढ़ा देता है। एक अपने पास एक प्रत्यास्थ डोरी है, ठीक है, जो ऐसे लटकी हुई है और ये पॉइंट मान लो ए। अब इस ए पे मैं एक ऐसा एक भारी एम द्रव्यमान का एक कण बांध देता हूँ कि ये इसको डबल कर देता है। ये मान लो ए है तो ये ए से लेके बी तक भी क्या है, ए ही है। फिर आगे बोल रहा है, डोरी ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर इतनी खींची जाती है कि वह अपनी स्वाभाविक लंबाई की चार गुना हो जाती है। फिर उसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि हम इसे डोरी को और डबल खींच लेंगे इसका, यानी कि 4a कर देंगे। यहाँ पे सी तक खींचा हमने, तो ये जो बी और सी है ये खुद क्या है, 2a है, ठीक है। क्योंकि ये देखो स्वाभाविक लंबाई ए थी, तो यहाँ से 2a, 3a और 4a, यानी कि चार गुना हो गई ना सी तक पहुंचते। और सी पे इसको ले जाके छोड़ दिया, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पी हो गया ये, ठीक है। छोड़ने के बाद पॉइंट पी पे पहुंच गई वो, इस पॉइंट पी पे जिसकी बी से जो दूरी है वो कितनी है, एक्स मान लेते हैं हम, क्या एक्स मान लेते हैं दूरी। ओके अभी देखो, मैं चाहता हूं इसकी गति का एनालिसिस करना, और इसने पूछा है कि इसका जो टाइम है, यानी कि सी से चल के हम ऊपर कहीं जाएंगे जहां पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, फिर ये वापस से नीचे आएगा। तो इसी पे वापस पहुंचने का जो टाइम है इसने बोला है वो होगा ए बाई जी टू रूट थ्री प्लस 4π/3, इतना टाइम इसमें लगने वाला है, ये इसने बोला है। ओके ठीक है, फिर देखते हैं हम। देखो एक बात यहाँ पे नोट करो, क्या कि हम सी से चल के जब बी तक पहुंचेंगे, ये तो सेंटर हो गया, फिर ये बी पे से लेके ए तक पहुंचेंगे। ए पे आते ही इसमें तनाव खत्म हो जाएगा, फिर ये हमारी वास्तविक डोरी बचेगी। इसके बाद जो ऊपर गति होगी उसमें वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही गति होगी, ऊपर जहां तक भी पहुंचेगा ये। तो आप यहाँ से दो पार्ट में इसका टाइम निकालोगे, एक तो सी से लेके ए तक का टाइम और प्लस ए से लेके ऊपर जहां पे भी ये विरामावस्था में चला जाएगा वहां तक का टाइम, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे और फिर इसको आप टू से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो वापस नीचे तक पहुंचने का टाइम अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका बी पे टेंशन निकालेंगे, एट बी पे, तो इसको मैं नाम देता हूँ टी नोट। ये क्या होगा,
एम जी बराबर टी नोट हम जो हुक्स लो है हुक्स लो से क्या निकालते हैं, प्रत्यास्थ मापांक और इनटू में डोरी में विस्तार, डोरी में विस्तार कितना हुआ ए, और वास्तविक लंबाई कितनी है ए। देखो हमने ये क्या दिया था, ये हमारी बांध दी थी, ये पॉइंट ए है जो जिसकी लंबाई ए है, इस पे जब जैसे हमने क्या बांधा वो एम द्रव्यमान का पार्टिकल बांधा तो ये है ए दूरी तक और बढ़ गया है ना, इसकी दूरी डबल हो गई, लंबाई दूरी यानी कि विस्तार ए हुआ है, वास्तविक विस्तार वास्तविक लंबाई ए थी। तो जब विरामावस्था में है, जब वो विरामावस्था में बी पॉइंट पे है, तब उसमें जो टेंशन है, जब उसमें तनाव है, वो कितना लगेगा, लैम्डा विस्तार बटे वास्तविक लंबाई ए, यानी कि लैम्डा, वो लैम्डा बराबर क्या आ गया एम जी, ये नोट करके रखो एक साइड में, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसको खींच के छोड़ दिया सी तक, और इस पॉइंट पी पे होगा ये कहीं पे, पी पे तो एक्स दूरी इसकी एक्स है, तो इस केस में हम इस पॉइंट पी के ऊपर जो तनाव लग रहा है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टी नोट माइनस टी, और ये टी टी नोट तो हमें पता है एम जी है, टी कैसे निकलेगा लैम्डा उस डोरी में विस्तार, एक तो ए ऑलरेडी था और प्लस एक्स कर दिया हमने, यानी कि ए प्लस एक्स और बाई वास्तविक लंबाई यानी कि ए, ये उसके अंदर विस्तार हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, टी नोट की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा या फिर एम जी, ठीक है, तो लैम्डा माइनस यहां से देखो ये क्या हो गया लैम्डा ए प्लस एक्स बाई ए, तो यहां से हम लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा बाई ए एक्स ऐसे लिख सकते हैं, तो कुल मिला के माइनस लैम्डा बाई ए एक्स आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा की वैल्यू रख दो एम जी, एम जी बाई ए और एक्स एम से एम काट दो इधर से, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई ए एक्स। ठीक है, ओके, तो आप ये आ गया एसएचएम गति आ गई हमारी, क्या एसएचएम गति आ गई, यानी कि पार्टिकल जो है वो सी से खींच के हमने बी की तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा, तो ए तक जो जाएगा वहां पे जो एसएचएम गति होगी उसकी समीकरण ये है माइनस एस, ठीक है, ये हमारी क्या आएगी एसएचएम गति आने वाली है। अभी हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे और टाइम निकालेंगे कहाँ से सी से लेके ए तक पहुंचने का टाइम निकालेंगे, नोट इट। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस g बाई ए एक्स, इंटीग्रेशन कर दो dx को इस साइड ले आओ ना, तो v स्क्वायर बाई टू और माइनस g बाई ए एक्स स्क्वायर बाई टू और k प्लस k। अब इस k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c पे जो पॉइंट c था, एट पॉइंट c पे, एट पॉइंट सी पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू तो था 2a, क्योंकि हमने बी और सी की वैल्यू, बी और सी के बीच की दूरी 2a ली थी, हमने दो फोर गुना से बढ़ा के इसको खींच के छोड़ा था, तो ये 2a थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, विराम अवस्था थी ना, जीरो थी, तो इस केस में हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2a रखो यानी कि 4a स्क्वायर, 2a बचेगा, 2ag बचेगा ना, 2ag बचेगा, तो इधर g हो गया, तो k इज इक्वल टू 2ag, या फिर आप ना ऐसे करो इससे 2 को पहले ही हटा दो यहाँ से, क्या किया पहले ही हमने इसको हटा दिया यहाँ से, इतना तो कर सकते ना, सॉरी 2 को g को नहीं हटाना, a को नहीं हटाना था, 2 को हटाना था, तो यहाँ से अपने पास 2a रखेंगे, तो यहाँ से 4a स्क्वायर और a से कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 4ag, ये आ गया,
तब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वी की, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4ag को बना लिया, 4 सॉरी ऐसे रख दो इसको, इसको रखो आप 4ag माइनस जी बाई ए स्क्वायर, यहाँ से आप जी बाई ए कॉमन ले लो, जी बाई ए कॉमन ले लो, जी बाई ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4 और ए कॉमन लिया तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसको आप नंबर दे दो क्योंकि ये काम में आएगी हमें वेलोसिटी निकालने के लिए एट पॉइंट ए पे, समझ गए। ओके अब हम निकालेंगे टाइम, इस वी की हेल्प से हम निकालेंगे टाइम। वो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो आप क्या करोगे, वी अंडर रूट ले लो, तो ये आएगा अंडर रूट जी बाई ए अंडर रूट 4a माइनस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें नेगेटिव लगेगा क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो एम जी है, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके तो अब देखो यहाँ से हम डी डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये जी का भी तो अंडर रूट लगेगा ना, जी का, तो यहाँ से अपने पास आ गया अंडर रूट जी बाई ए और अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर वाले को एक्स के पास ले आओ और डी टी को इस साइड दूसरी तरफ लेना, तो 1/√4a² माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव इसी के साथ ले लो, और डी एक्स बराबर अंडर रूट जी बाई ए इंटीग्रेशन डी टी। अब लिमिट रख दो, मैं लिमिट रख रहा हूँ इसकी। देखो हमें जो ये टाइम चाहिए, जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये तो मान लो वो था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये था सॉरी सी सी। मुझे चाहिए यहाँ से लेके ए तक पॉइंट, और बी हमारा ओरिजिन है, मतलब SSM का केंद्र है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू है 2 2a, ठीक है, और यहाँ से आगे 0 आ गया, फिर ये नेगेटिव में जा रहा है ना, जो ये माइनस ए हो गया यहाँ तक, क्योंकि केंद्र हमारा बी है। तो इस एक्स की लिमिट मैं रख दूंगा 2a से लेके माइनस ए तक हमें टाइम चाहिए, और मैं चाहता हूँ यहाँ से चले ना हम सी से, सी पे तो हमारा टाइम था 0 और ऊपर ए तक पहुंचने में टाइम लगा t1, ये मैंने इसको लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन ये -1/√4a² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोस इनवर्स होता है, तो ये होगा कोस इनवर्स एक्स बाई 2a, ये इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। और इसकी लिमिट लगा देंगे हम 2a से लेके माइनस ए तक, और आगे क्या आ गया t1 अंडर रूट जी बाई ए, तो इसकी वैल्यूज निकालो। जब यहाँ पे माइनस ए रखेंगे यानी कि -1/2, तो कॉस -1/2 की वैल्यू जो है वो होती है कॉस -1/2 की वैल्यू कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, तो ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में होती है ना -1/2, तो यानी कि आपके पास मान लो π/6 या π/3, π/3 पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी हो तो पाई बाय इसमें से पाई में से ये घटा दो, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि 2π/3 पे होती है, ठीक है। तो ये खुद अपने आप देख लेना, 11th क्लास की चीज़ है ये, कि
कॉस इनवर्स माइनस 1/2 जो है वो 2π/3 पे होता है। तो ये हो गया आपका 2π/3 और माइनस 12 हो गए, तो 1 कॉस इनवर्स 1 कॉस 0 पे 1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये 0, तो ये कुल मिला के 2π/3 आ गया और इज इक्वल टू, और ये इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आपका इधर a बाय रूट जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गई t1 की वैल्यू। तो इसको आप एक जगह नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट अब हम चाहिए t2। t2 कैसे निकालोगे? अब देखो जो पार्टिकल है हमारा वो c से चला और a पे आके ऐसे चमगति किया है a तक, और a पे आते ही फ्री हो गया, फ्री होते ही ये ऊपर है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो भी होगी वहां तक पहुंचने में इसको समय जो लगता है वो t2 में इसको ले लिया, और ये जो होता है वो होता है ये जो टाइम है वो होता है u बाई जी होता है। क्या? u बाई जी यानी कि इनिशियल वेग u बाई जी होता है डिवाइड में गुरुत्वाकर्षण। अब हमें u चाहिए, u कैसे निकालोगे? u निकालोगे इक्वेशन नंबर 1 से। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? ये थी जी बाई ए 4a² माइनस x², इसका अंडर रूट ले लेना, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था अंडर रूट जी बाई ए और अंडर रूट 4a² माइनस x², हमें ये वेलोसिटी चाहिए एट पॉइंट ए पे, और ए पॉइंट पे हमारे पास जो दूरी है एक्स की वैल्यू वो माइनस ए है, क्योंकि हम जो दूरी है वो बी से नापते हैं। तो नीचे की साइड तो पॉजिटिव और ऊपर की साइड नेगेटिव, ऊपर की साइड जा रहे तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे माइनस ए दूरी तक चले, तो माइनस ए रखोगे तो यहाँ पे ए बन जाएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट जी बाई ए और अंडर रूट 3a² समझ में आ रहा है ना? तो हमारे पास जो ये बाहर ले आ सकते हो, तो a² अंडर रूट होगा तो a आएगा, तो √3 रूट जी तो a/√a, तो ये ए और नीचे रूट ए तो ऊपर बचेगा रूट ए, तो कुल मिला के ये पूरा ही लिख दो अंडर रूट के अंदर 3ag। तो हमारे पास जो t2 है वो क्या आएगा? u यानी कि इनिशियल वेग यानी कि va हमारा आ गया √3ag/g, तो g ऊपर नीचे कटेगा यानी कि नीचे अंडर रूट बचेगा, फिर अंडर रूट 3a/g, ये हमारे पास t2 आ गया। तो आप सी से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय है वो लगेगा टी, और वो कितना होगा सॉरी t1 + t2, और टोटल ओवरऑल जो टाइम है वो कितना होगा, टाइम पीरियड वो हो गया 2t1 + t2। तो यहाँ रख दो t1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये रही 2π/3√a/g, और प्लस यहाँ से क्या आ गया √3√a/g, √a/g कॉमन ले लो, 2√a/g कॉमन ले लिया, यहाँ बचा और 2π/3 + √3 ये बचा है ना। अभी हम मिलाते हैं इसको हमारी जो क्वेश्चन में पूछा गया था उस टाइम के साथ, वो मैंने थोड़ा जूम कर दिया था तो अभी मिल नहीं रहा, तो मैं आपको डायरेक्ट वैसे ही बता देता हूँ। वो हमें पूछा गया था √a/g और 2√3 + 4π/3 ये पूछा गया, तो आप इसमें क्या करो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो √a/g 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले √3 के साथ लिख दो, तो
और 2√3, और इसके साथ करवाओगे तो क्या आएगा 4π/3, यही हमें शो करना था। समझ में आया ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा आपको यही एग्जांपल, आप अच्छे से इसको पढ़ो, और इसमें काफी सारे एग्जांपल्स मजे पड़े हैं, तो आप उसके ऊपर काफी अच्छी सारी प्रैक्टिस करो। ये ज्यादा क्रिटिकल नहीं है कुछ भी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी कुछ चीज समझ में आ जाएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी सिमिलर नहीं रहेगा। अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कि सारे मेथड सब कुछ सेम ही हो रहा है, सब कुछ सिमिलर लग रहा है, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।